सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आपको आज का व्लॉग टाइटल से समझ में आ रहा है कि हैप्पी बर्थडे व्लॉग है। सो ऑब्वियसली मेरा बर्थडे है, सो आप लोगों ने अगर विश नहीं किया है तो कमेंट पे प्लीज़ विश कर देना। और जिन्होंने मुझे विश किया है, ढेर सारा विशेज जो मुझे मिला है, सो सबको दिल से थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल इन दिस लॉकडाउन। और मैं कहीं जा नहीं सकती, ना किसी को बुला सकती हूँ, ना पार्टी कर सकती हूँ। सो आपके मैसेजेस जो मुझे इतने सारे मिले हैं, इसके वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ और मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बन चुका है। और आप लोगों के मैसेजेस के वजह से ही मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक हैप्पी बर्थडे व्लॉग ही बना लूँ, क्योंकि बर्थडे है, अंदर से खुशी तो होती है, चाहे वो लॉकडाउन है या तो कुछ भी हो। बर्थडे में सबको हैप्पी फील होता है, क्योंकि इतने सारे विशेस जो आते हैं अपने लव्ड वन से। सो थैंक यू वंस अगेन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग, बट अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं इस व्लॉग में क्या दिखाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और ना ही हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही हमारे घर पे कोई आ सकते हैं, ना ही हम ज़्यादा लोग घर पे इनवाइट कर सकते हैं, आसपास के भी नहीं। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अभी घर पे ही रह के कुछ स्पेशल करते हैं। तो स्पेशल में मैंने सोचा आज मैं खुद से अपना बर्थडे केक जो है खुद से बनाऊंगी। वो मेरी अम्मी मुझे बता देगी और मैं बनाऊंगी। और बट मैं पहले बना चुकी हूँ, फिर भी अपना बर्थडे केक मैं खुद से बनाना चाहती हूँ आज। सो यही होगा मेरा स्पेशल। और आज मैं थोड़ा अपना फ़ोटो क्लिक करूँगी। और अभी जो मैंने ड्रेस वेयर किया है वो मेरे स्पेशल लव्ड वन ने मुझे दुबई से सेंड किया है। और मैं कल रात बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मुझे सब लोगों ने, सब दोस्तों ने विश किया। और इसीलिए आज मैं अपने बर्थडे के दिन बहुत ही हैप्पी हूँ। एटलीस्ट इस कोरोना जैसे टाइम में, लॉकडाउन सिचुएशन में, सब लोगों ने मेरा बर्थडे याद रखा। और आई होप यू ऑल आर सेफ। सो सब अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और मैं इस बार अपने फैमिली के साथ हूँ इतने दिनों बाद, और अपने बर्थडे के टाइम में अपनी पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो ये मेरा एक स्पेशल मोमेंट है, वो मैं मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि हमें हर टाइम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है, और इस बार मुझे मिला है। सो आई एम सो हैप्पी। और क्या बताऊँ। और मैं आज अपने ऑफिस का भी लीव नहीं लिया। मुझे लगा कि वैसे भी हम घर पे हैं और कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो ऑफिस का भी काम कर रही हूँ मैं, और व्लॉग भी बनाऊँगी और फ़ोटोशूट करूँगी। सो या तो चलिए थोड़ा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और मैं आपको मेरे घर के बाहर के लोकेशन थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है जी। वेदर भी ना इतना बारिश हो रही है कि धूप निकलने का नाम नहीं है। आप लोग देख सकते हो फुल रेनिंग, और यू कैन सी, बट वेदर इज़ वेरी नाइस। वेदर तो बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और बस मैं अभी
अभी असम में हूँ और असम में 2 वीक्स से अभी कंटिन्यूसली रेन हो रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा है, लेकिन मेरे घर के जो एरिया है इधर तो बहुत ज़्यादा ही रेन हो रही है। और इवन आज मतलब मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाऊँ और थोड़ा मार्केट से कुछ सामान लेके आऊँ, बट बिकॉज ऑफ रेन मैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले सकती। यू कैन सी कितना ज़्यादा रेन हो रही है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूँगी। अभी मैं कैमरा थोड़ा इस साइड करके रखी हूँ फ्रंट, तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी। और मेरे वॉइस भी ठीक से आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा शायद बिकॉज ऑफ रेन। तेज़ बारिश हो रही है गाइस। मैं अभी घर के अंदर आ चुकी हूँ और नाउ मैं अपना जो बर्थडे स्पेशल केक है वो मैं खुद से बनाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। और हाँ, आप लोगों ने अगर मेरा ईद का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने ईद स्पेशल चिकन दम बिरयानी बनाया है। और प्लीज़ जाके देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चलिए आज मैं अपना बर्थडे केक बना के दिखाती हूँ। सो गाइज, अभी जो मैं केक बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने 3 eggs लिया है और 1 cup मैदा, उसके साथ मैंने कोको पाउडर मिक्स करके लिया है और 1 cup ऑफ शुगर और जो ड्राई फ्रूट्स है कोकोनट, काजू, किशमिश, ये सब कटी हुई है। और मैंने फूड कलर भी लिया है, ग्रीन कलर का एक और एक पिंक कलर का। सो अभी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने 3 eggs लिया है, 3 eggs जो है उसको मैंने अभी मिक्स करना है, मिक्स करूँगी। फिर उसके साथ मैंने जो शुगर 1 cup लिया है वो भी मिक्स करके मैं अच्छे तरह से उसको मिक्स कर लूँगी। देख रहे हैं मैंने ये एग और शुगर ग्राइंडेड, आप लोग ग्राइंड नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं आपके हिसाब से है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ केक बनाने में, बट जो भी है मैं अपनी मम्मी से सीख के बना रही हूँ। गाइज, अभी मैंने जो शुगर और एग्स है वो मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं अभी जो मैदा है और जो कोको पाउडर है उसको मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी, और 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि वो जो केक है उसको फूलने के लिए, क्या बोलते हैं आप लोग, देख लो। फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, फिर दोबारा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। केक बनाने में आपको क्वांटिटी बहुत अच्छे तरह से लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने अभी 3 eggs के लिए आपको बनाने के लिए बता रही हूँ, अगर आप लोग 3 के जगह 4 eggs भी डाल सकते हैं तो उसमें क्वांटिटी उसके हिसाब से थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए बस। सो अभी ये मिक्स करने के बाद मुझे 1 cup ऑयल डालना है इसमें, तो ये अभी मैंने मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने ना सोचा था कि मैं इसको कलरफुल केक बनाऊँ, बट अभी मैंने इसमें कोको पाउडर यूज़ कर दिया तो बस ये ओनली चॉकलेट केक बनेगा। जो अदर कलर्स है
उसको आप लोग ऑप्शनल मैंने रखा था। अगर मैंने इसमें ओनली मैदा यूज़ करती तो इसमें बस मैंने उसमें कलर डालती ऊपर से थोड़ा ग्रीन और जो पिंक वाला है, बट अभी मैंने सोचा ओनली चॉकलेट ही बनाती। सो यस गाइस, ये मिक्स हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 कप ऑफ ऑयल, रिफाइन ऑयल। ओके, सो ये आ गया मेरा 1 कप ऑफ ऑयल। अब इस ये यहाँ पे ऐड होगा। मैं अच्छी तरह से कैमरा को सेट नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिए। ये हो गया मिक्स ऑयल प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने ऐड किया है। तो ये मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत तो लगती है चीज़, लेकिन बनता भी तो उतना अच्छा है। हम लोग सोचते हैं कि हम मार्केट से सब कुछ ले आए, बट एक्चुअली क्या है ना, लॉकडाउन है इसके वजह से हम लोग अपना आर्ट यूज़ कर रहे हैं, आर्ट ऑफ कुकिंग जो होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, पैसा देते हैं और ख़रीद के ले आते हैं और ख़ुद से अपना कुछ भी करने के लिए सोचते ही नहीं है। इसलिए एक प्रकार से तो ये अच्छा ही है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं न्यू, जैसे कि मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखिए। तो ये हमारा केक का जो इंग्रेडिएंट्स है सब मिक्स हो चुका है। आपको मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगी क्योंकि मैं अपना कैमरा अच्छे से सेट नहीं कर पा रही हूँ, सो अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये है जो मिक्स, सो अभी ये मिक्स हो गया है। तो अभी हमको बस इसमें क्या करना है, जो ड्राई फ्रूट्स है, ये रही ड्राई फ्रूट्स, ये सब मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा रख देंगे वो बाद में ऊपर से हम ऐड करेंगे। ओके, सो गाइस अभी जो मिक्सिंग का काम है वो मैंने सब ख़त्म कर दिया है। अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो केक बन रहा है ना वो मैं केक ओवन में नहीं बना रही हूँ, वो मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। ये मैंने छोटा सा अपने लिए केक बनाई हूँ क्योंकि मेरा जो ओवन है वो ख़राब हो गया है, तो अभी मैं जो केक है वो प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। और अभी जो मिक्स है वो मैं एक अलग से बाउल में रख के उसमें प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा धीमी आँच में प्रेशर कुकर रखेंगे, फिर उसमें जो हमारा बाउल है उसमें रख देंगे, और मे बी हाफ एन आवर से ज़्यादा भी लग सकता है। आपको उसको अच्छे से ध्यान दे के, मतलब बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि ये केक अच्छे से बन गया है या नहीं तो जल जाएगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, बस अब मैं आपको जो प्रोसीजर है ना नेक्स्ट वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। सो गाइस, मैंने इतना छोटा सा बाउल लिया है, आप देख सकते हो, इसमें मैंने पेपर को कट किया है और फिर इसमें ये बीच में जो ये कप है ना वो ओवन में मिलता है, वो मैंने अभी ओवन तो है नहीं तो बस इसमें भी बनाने के लिए बीच में ये थोड़ा सा नीचे ऑयल और पेपर रैप करके इसमें ये मिडल में रख देंगे। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो केक है ना वो बीच में भी हमें पकना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा सा कच्चा सा रह जाता है, इसलिए ठीक है। अभी मैं ये ऐड करेंगे, है ना। सो अभी ये सब यहाँ इसमें जाएगा, ध्यान से रखना पड़ेगा। सब ऐड कर दिया यहाँ पे। सो अभी मैंने थोड़ा सा जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स है उसमें स्प्रिंकल कर दें, वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए वैसे भी हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है।
तो हाँ ये है केक का लुक। ये अभी कुक्ड नहीं है, जब कुक होगा आप देखिए। ये हम जाएंगे अभी ओवन में रखने के लिए, ओवन नहीं, अभी ये हम जाएंगे प्रेशर कुकर में रखने के लिए। सो ये प्रेशर कुकर हमने, ये प्रेशर कुकर बस मैं जो केक है वो बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें एक बाउल रख दिया है, ये ऑलरेडी गरम हो रहा है। तो हम अभी ये जो इंग्रेडिएंट्स है केक का वो सब यहाँ पे ऐड कर देंगे आराम से, और अभी बस ढक देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसका जो व्हिसल है, सो इसका व्हिसल हमने निकाल दिया है और गैस्केट भी निकाल दिया है, और अभी हम इसको ढक देंगे और हम चेक करते रहेंगे। सो गाइस अभी मैंने तो केक रख दिया है, तो अभी थोड़ा हम आराम से बैठ रहे हैं। ये है मेरी अम्मी। अम्मी आप कुछ बोलना चाहते हो अपनी बेटी के बर्थडे पर, प्लीज़ बोलिए, शर्माइए मत। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके थैंक यू। सो गाइस मुझे अम्मी से भी बर्थडे विश तो मिल गया है, और अभी हम केक होने के लिए वेट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा केक, चॉकलेट केक जो हमने अभी प्रेशर कुकर से निकाला है, और अभी हम इसको इस प्लेट में रख के थोड़ा डेकोरेट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है, और इस पर हमने थोड़ा डेकोरेशन किया है, आपको मैं केक दिखाती हूँ, और अभी हम बर्थडे केक कट करेंगे और हम लोग खाएंगे। सो ये रहा मेरा केक, पता नहीं कैसा हुआ है, आप लोग कमेंट पे बताइए। और इसमें मैंने थोड़ा डेकोरेशन कर दिया फ्लावर लाके, बाहर बारिश तो बहुत हो रही थी फिर भी फ्लावर लाया और मैंने डेकोरेट किया, और जो ऊपर से थोड़ा डेकोरेशन अम्मी ने भी कर दिया है। और इधर रहा हमारा पुलाव, मटन पुलाव, थोड़ा सा कलर पिंक कलर का फूड कलर ऐड किया है, पिंक मटन बिरयानी बोल सकते हैं इसको। ठीक है चलो फिर हम अभी कट करते हैं केक। अभी मैं अपना हैप्पी बर्थडे केक कट करूँगी। ये है मेरे अब्बू और ये है मेरी अम्मी, सो हम तीन ही हैं घर पे, और अभी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, happy birthday to you। दोनों को एक साथ खिला रही हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा हैप्पी बर्थडे का व्लॉग, इधर ही खत्म होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। और ये हम अभी जो मटन, पिंक मटन पुलाव है अम्मी ने बनाया है वो हम खाएंगे, और केक। सो गाइस टिल देन बाय।